सोलर प्लांट कैसे लगाए जाते हैं, इसका ये पार्ट नंबर 7 है। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो सोलर मॉड्यूल्स हमने लगाए थे पिछली वीडियो में हमने बताया था, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके जो कनेक्शन हैं वो कैसे किए जाते हैं, सीरीज में किए जाते हैं या पैरेलल में किए जाते हैं। तो सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और इसके बाद जो इसका वोल्टेज है वो हमारे जो एक स्ट्रिंग का वोल्टेज है वो कितना होता है वो सब आपको चेक करके बताएंगे। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि सोलर प्लांट में जो मॉड्यूल लगे होते हैं उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो इसमें हम आपको एक स्ट्रिंग के कनेक्शन करके बताने वाले हैं। अगर आपने एक स्ट्रिंग के कनेक्शन को देख लिया है तो समझ लीजिए आपको सारे प्लांट के कनेक्शन आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि जो सारा प्लांट होता है वो इसी प्रकार से सभी स्ट्रिंग को एक जैसा बनाया जाता है और इसके जो कनेक्शन हैं वो एक ही जैसे किए जाते हैं। इसके बाद जो है एक एक स्ट्रिंग से उठा के जो सप्लाई है वो एक स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स में ले जाई जाती है। तो हम आपको इस स्ट्रिंग के कनेक्शन करके बताने वाले हैं। ये जो स्ट्रिंग है इसमें 20 मॉड्यूल को कनेक्ट किया गया है, 10 मॉड्यूल नीचे की साइड कनेक्ट किए गए हैं और 10 मॉड्यूल ऊपर के साइड कनेक्ट किए गए हैं। तो इसमें एक मॉड्यूल के जो कनेक्टर हैं MC4 कनेक्टर हैं, ये पॉजिटिव कनेक्टर है और दूसरा वाला जो है वो नेगेटिव कनेक्टर है। तो हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले मॉड्यूल लगाए गए हैं 10, तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव वायर पकड़ेंगे नीचे वाले मॉड्यूल का, पहले वाले का। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला मॉड्यूल लगा हुआ है नीचे, तो उसको जो नेगेटिव वायर है उसका नेगेटिव कनेक्टर को लेंगे और इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव वायर को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो चैनल है पर्लिन है इसके अंदर से निकालेंगे वायर को इस प्रकार से, और जो पॉजिटिव कनेक्टर है पहले मॉड्यूल का और ये वाला जो नेगेटिव है इसको इस प्रकार से फिक्स कर देंगे। जब ये फिक्स हो जाता है तो इसमें थोड़ी सी किट की आवाज़ आती है, अगर वो आ जाए तो समझ लीजिए जो मॉड्यूल है वो सही से कनेक्ट हो गया है। तो देखिए इसमें जो कनेक्शन करने के बाद जो चैनल है पर्लिन है उसके अंदर जो वायर है और जो कनेक्टर है उसको इस प्रकार से रख दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, जिससे जो बारिश का पानी है कोई भी तो उसमें कनेक्टर में ना आए, जिससे हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना आए इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला मॉड्यूल लिया है अब उसका नेगेटिव हमने उसमें कनेक्ट कर दिया था, तो इसके बाद हम जो पॉजिटिव वायर है इसका लेंगे और जो तीसरा वाला हमारा मॉड्यूल लगा हुआ है उसका ये नेगेटिव वाला वायर लेंगे और उसको इससे कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद फिर से हम इसके जो वायर हैं इसको इसके पर्लिन के अंदर रख देंगे, सेट कर देंगे, जिससे जो बारिश का पानी है वो इसके कनेक्टर में ना जाए। तो इसी प्रकार से हमें इसके सारे कनेक्शन करने हैं। तो देखिए इस प्रकार से इस वायर को रख दिया जाता है जिससे जो बारिश का पानी है वो यहाँ तक नहीं आ पाता है, जो हमारे कनेक्टर गीले नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से हमें सभी को कनेक्शन को करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले वायर का जो पॉजिटिव वायर है बोलेंगे और फिर जो हमारा तीसरा जो चौथा जो मॉड्यूल है उसका हम नेगेटिव वायर लेंगे और इसको फिर से इसमें कनेक्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से हमें इसके सीरीज़ में कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो सभी को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसी हिसाब से हमारे जो कनेक्शन हैं वो सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। और लास्ट में जो हमारे दो वायर बचते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उससे हम आउटपुट सप्लाई ले लेते हैं। तो चलिए पहले हम इसके जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं नीचे वाले जो मॉड्यूल हैं, उसके बाद हमें ऊपर वाला, जब नीचे वाले हमारे सभी मॉड्यूल्स के कनेक्शन हो जाएंगे तो हमें ऊपर उसके कनेक्शन को कैसे लाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें इसके सारे कनेक्शन को कर लेते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी हम कनेक्शन कर रहे हैं तो जो कनेक्टर है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए सही से, बिल्कुल भी उसमें लूजिंग ना रहे, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होता है वो 1000 DC वोल्टेज तक जाता है और इसकी जो कनेक्टर करंट होती है वो हमारी 10 एम्पियर तक जा सकती है। तो इसको हमेशा अच्छे से कनेक्ट करें, कोई लूज़ ना रहे, नहीं तो ये कनेक्टर जो है जल सकते हैं जिससे हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल फिक्स करें, कनेक्टर को अच्छे फिक्स कर दें जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कनेक्टर है वो सही से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब जो है वो लास्ट हमारा मॉड्यूल आ गया है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसका जो लास्ट मॉड्यूल का जो पॉजिटिव वायर बचा हुआ है तो इसको क्या करना होगा, जो हमारा ऊपर की साइड, जो देखिए यहाँ पर नीचे मॉड्यूल लगा हुआ है फिर ऊपर मॉड्यूल लगा हुआ है 10वां,
तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो मॉड्यूल है हमारा और नीचे वाला मॉड्यूल का पॉजिटिव और ऊपर वाले मॉड्यूल का जो है वो नेगेटिव कनेक्टर को आपस में शॉर्ट करेंगे, जिससे जो हमारा 11वां मॉड्यूल भी है वो भी सीरीज में कनेक्ट होगा और इसके बाद जो सारे मॉड्यूल हैं मतलब 20 मॉड्यूल हैं सभी को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। तो देखिए इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो मॉड्यूल है 11वां जो मॉड्यूल है उसका पॉजिटिव वायर फिर से बचेगा। अब हमें क्या करना होगा, जो 12वां मॉड्यूल लगा हुआ है उसका इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना होगा। तो 12वें मॉड्यूल का हम फिर से नेगेटिव कनेक्टर लेंगे और नेगेटिव कनेक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए जो वायर है वो इसको कनेक्टर को सभी को पर्लिन के अंदर ही रखना चाहिए। इसके बाद जो हमारे एक मॉड्यूल रह गए हैं उसके भी हम कनेक्शन को कर लेते हैं। देखिए ये जो पॉजिटिव वायर रह गया है इसका, अब इसको हम दूसरा मॉड्यूल जो है 12वां जो मॉड्यूल है उसका नेगेटिव वायर लेंगे, नेगेटिव कनेक्टर लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। तो जो कनेक्टर है वो सही से फिक्स हो जाना चाहिए, हमें ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और इसके जो कनेक्टर हैं उसको हमें पर्लिन के अंदर रख देना चाहिए। तो सभी को इस प्रकार से देखिए, ऊपर वाला जो कनेक्टर है वो वायर है उसको जो ऊपर वाली पर्लिन है उसमें रखना चाहिए। तो देखिए हमने ऊपर वाली जो पर्लिन है उसमें हमें इसको सेट करना होगा, अगर हम इसको वायर को थोड़ा घुमा के रख देते हैं तो वो उसमें फिक्स रह जाता है, फिर निकलता नहीं है अपने आप। इसके बाद सभी कनेक्शन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे जो कनेक्शन बचते हैं वो लास्ट में दो वायर बचते हैं। पहले जो हमने एक नेगेटिव वायर छोड़ रखा था नीचे वाले मॉड्यूल का, और जब हम इसको कनेक्ट करते जाएंगे जब लास्ट मॉड्यूल तक पहुंचेंगे ऊपर वाले उसमें, तो उसमें एक पॉजिटिव कनेक्टर बचेगा। तो लास्ट में हमारे एक पॉजिटिव कनेक्टर बचेगा नीचे वाले जो मॉड्यूल लगा है उसका, और ऊपर वाले का बचेगा पॉजिटिव वायर। तो ये हमारी आउटपुट सप्लाई यहाँ से ले लेंगे हम दोनों कनेक्टर से, और इसको कनेक्ट करके जो SMB लगाई गई है उस SMB में हमें इसको ले जाना होगा। तो ये सभी कनेक्शन करके देखिए, जब कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो जो वायर हैं देखिए कहीं भी कोई वायर दिखाई नहीं दे रहा है, जो पर्लिंग में वहाँ पर सारे कनेक्टर सेट हो गए हैं और जो वायर हैं उसके अंदर रखे गए हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं तो अब हमें इसका वोल्टेज चेक करना होगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि हमारे जो मॉड्यूल हैं सभी सही हैं और कनेक्शन हैं वो हमारे सभी सही हैं। तो ये जो दो वायर हैं, सबसे पहले हमने जो नीचे वाले मॉड्यूल का कनेक्शन करना शुरू किया था तो इसका नेगेटिव वायर को छोड़ दिया था, और जब लास्ट में जो हमारे कंप्लीट हुए हैं कनेक्शन तो एक पॉजिटिव वायर हमारा रह गया था। तो ये हमारा नीचे वाले मॉड्यूल का नेगेटिव कनेक्टर है और दूसरा वाला ये जो MC4 कनेक्टर है ये पॉजिटिव है, जो हमारे ऊपर वाले मॉड्यूल का बचा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसमें वोल्टेज को चेक करना है। तो चलिए जो मल्टीमीटर है हमारा उसमें हम DC वोल्टेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो DC वोल्टेज आउटपुट मिलने वाली है यहाँ से। तो देखिए मल्टीमीटर में हमने DC वोल्टेज को सिलेक्ट कर लिया है, और अब हमें क्या करना होगा, जो हमारे दोनों कनेक्टर हैं उसके अंदर मेटेलिक लग लगे होते हैं, तो हमें उन लग्स में जो इसकी पिन है मल्टीमीटर की जो पिन है उन्हें टच करना होगा, उनमें लगाना होगा, इससे हमारा जो वोल्टेज है वो आएगा। तो देखिए ये जो लग हैं इनके अंदर हमें जो पिन है हमारी मल्टीमीटर की उसको हमें इसके अंदर लगाना होगा। तो चलिए हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो देखिए ऐसे लगा लेंगे और इसके बाद हम वोल्टेज को चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए जो वोल्टेज आ रहा है वो 847 वोल्टेज DC में आ रहा है, तो इतना ही वोल्टेज रहता है एक स्ट्रिंग का, और जो सभी स्ट्रिंग लगी हुई हैं सबका वोल्टेज सेम रहता है। थोड़ा धूप कम ज़्यादा होने पर वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो इतना ही वोल्टेज रहता है।